नमस्कार, TV20 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। ये आजमगढ़ का मुबारकपुर क्षेत्र है, जहां 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिसमें से 4 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। हॉटस्पॉट होने की वजह से पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट है। इसी को लेकर चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर कमल नयन दुबे के द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से कस्बे के निवासियों को जागरूक किया गया, ताकि लोग और अधिक संवेदनशीलता के साथ लॉकडाउन का पालन करें। लोगों को रमजान में तरावी की नमाज अपने घरों में पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। बाजार में कम से कम निकलने के लिए बताया गया तथा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया गया। ध्यान रखिए, इस जगह पे हम बार बार आते हैं तो हमें काफी भीड़ मिलती है, और मैं देखता हूं कि पुलिस की गाड़ी देख के लोग भाग जाते हैं, और जैसे पुलिस की गाड़ी हटती है लोग वापस बाहर आ जाते हैं। आप ये सोचते हो कि हम तो पुलिस वालों को चकमा दे दिए, उनको धोखा दे दिए, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये छोटे बच्चे आपके जो बाहर सड़कों पे घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं, आपके ठीक बगल में, यही ठीक बगल में हॉट स्पॉट है नयापुरा, जहां संक्रमित 8 मरीज मिले हैं, कुल 8 मरीज, और एक मरीज अगर किसी तरीके से मिल गया बाहर या आपके मोहल्ले में हो गया तो उससे संक्रमण कई गुना बढ़ जाएगा। आज से एक महीना पहले जब लॉकडाउन लगा था तो हमारे देश में कुल 600 मरीज थे। कितने मरीज थे? कुल 600, और आज 25,000 मरीज हो गए हैं। उस देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 25,000 हो गई है, तो 600 से 25,000 तक ये स्थिति तब पहुंची है जब लॉकडाउन है, जब सड़कें बंद हैं, ट्रेनें बंद हैं, हवाई जहाज बंद है, दुकानें बंद हैं, तब 600 से एक महीने में 25,000 का आंकड़ा पहुंच गया। और 25,000 के बाद बहुत जल्द अगर आपने एहतियात नहीं किया तो ये आंकड़ा और कई गुना बढ़ जाएगा और स्थिति भयावह हो जाएगी। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई थी, जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने तहसील क्षेत्रों में उक्त दैवीय आपदा से हुई क्षति का तत्काल सर्वेक्षण कराकर शासन द्वारा अनुमन्य सहायता प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराते हुए 27 अप्रैल 2020 को सायंकाल तक आख्या उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। यदि उक्त दैवीय आपदा से कोई क्षति न हुई हो तो इस आशय का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी नगेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जनपद में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने एवं COVID-19 बीमारी की रोकथाम हित प्रत्येक स्तर पर सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश के बाहर जैसे दिल्ली, NCR, मुंबई तथा अन्य प्रांतों एवं प्रदेश के अंदर की नोएडा, गाजियाबाद व अन्य स्थानों से आए हुए एवं आ रहे व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए उनका स्वास्थ्य परीक्षण एवं तदनुसार उनका होम अथवा संस्थागत क्वारंटाइन, सैंपलिंग एवं आइसोलेशन कराया जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने एवं COVID-19 बीमारी की रोकथाम हेतु यह आवश्यक हो गया है कि बाहर से आए अथवा आने वाले सभी व्यक्तियों की पहचान कर उनके स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सकीय प्रोटोकॉल की कार्रवाई अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु लॉकडाउन को सुनिश्चित कराने में पुलिस की बहुत ही प्रभावी भूमिका रही है। पुलिस बल ने काफी तत्परता एवं कर्तव्य बोध के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। कतिपय बिंदु ऐसे हैं जिस पर और अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि इधर देखा जा रहा है कि बहुत सारे प्रवासी मजदूर गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद आदि जगहों से कोई न कोई उपाय ढूंढकर अथवा पैदल ही अपने घरों के लिए प्रस्थान किए हैं। कतिपय लोग मालवाहक ट्रकों में भी 3 से 10 की संख्या में बैठकर आ रहे हैं। जनपद में भ्रमण के दौरान मेरे द्वारा भी देखा गया कि कई जगहों पर पैदल ही समूह के रूप में प्रवासी मजदूर चलते हुए पाए गए हैं। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों तथा तैनात पुलिस बलों को संवेदनशीलता का और अधिक बोध कराना आवश्यक है कि यदि कोई भी मजदूर इस जनपद का निवासी है और वो अपने घर पर सीधे चला जाता है तो कोरोना के संक्रमण के फैलाव की अत्यधिक संभावना हो सकती है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य विभाग द्वारा न तो परीक्षण हुआ है और न ही वह स्वास्थ्य विभाग के पर्यवेक्षण में क्वारंटाइन में ही व्यतीत किया है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजना की प्रगति समीक्षा में पाया गया कि विकासखंड हरैया, पलहनी एवं अजमतगढ़ में कोविड-19 महामारी के संक्रमण के बचाव हेतु शासन के निर्देशानुसार गरीब परिवारों को रोजगार की उपलब्धता के संबंध में कार्य प्रारंभ की स्थिति असंतोषजनक है। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संबंधित खंड विकास अधिकारी पलहनी रूपम उपाध्याय, हरैया व अजमतगढ़ इरशाद अहमद को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है। इसी के साथ ही उक्त ब्लॉकों के तीन तीन सबसे खराब प्रगति वाले ग्रामों के ग्राम रोजगार सेवकों की सेवा समाप्ति के लिए नोटिस दिए गए तथा एक सप्ताह में जवाब प्राप्त कर संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जहां लोग नए नए प्रयोग कर रहे हैं, तो वहीं यूपी के गोंडा में रेलवे डीजल सेट के सेक्शन इंजीनियर ने अपने कर्मचारियों के सहयोग से रेल में प्रयोग होने वाले सामानों से एक अनोखी सैनिटाइजर मशीन बना डाली है, जिसे रेलवे की बड़ी बड़ी कॉलोनियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस अनोखे सैनिटाइजर मशीन के बारे में सेक्शन इंजीनियर सुग्रीव कुमार ने बताया कि रेलगाड़ी धुलने वाली नेपचून मशीन, बिल्डिंग जनरेटर, 1000 लीटर की सिंटेक्स टंकी एवं ब्लीचिंग पाउडर और पानी के मिश्रण से सैनिटाइजर मशीन का पूरा प्लान तैयार किया गया है, जिससे कॉलोनियों को बड़े पैमाने पर सैनिटाइज किया जा रहा है। तो वही कॉलोनी में रहने वाले रेलवे कर्मचारियों ने इसे अच्छी पहल बताते हुए कहा कि रेल अधिकारी व उनके स्टाफ द्वारा कम समय में और जल्दी जो काम हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। आइए सुनवाते हैं कि सुग्रीव कुमार सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने क्या कुछ कहा। बनाने हमारे सेट के ही संसाधन से एक वेल्डिंग जनरेटर है और सिंटेक्स 1000 लीटर की टंकी है और ब्लीचिंग पाउडर है, पानी है और नेपचून मशीन है। इससे हम लोगों ने पूरा प्लान तैयार किया है जिससे कॉलोनियों का सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। नेपचून मशीन जिसके हम लोग सैनिटाइज वाली मशीन बनाए हुए हैं, इससे हम रेल यान धुलने का काम करते हैं, उसको हम लोगों ने लिया है। मेरे दिमाग में ये विचार आया कि कॉलोनियों का जो है सैनिटाइजेंस किया जाए, क्योंकि इस समय कोरोना संक्रमण से सभी लोग परेशान हैं। तो रेलवे हमारा एक परिवार है और परिवार हमारा पूरा रेलवे कॉलोनी में ही रहता है, तो हम लोगों ने सोचा कि कॉलोनियों किया जाए, क्योंकि वहाँ पर सभी हम लोग परिवार के बच्चे लोग रहते हैं, वो लोग स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे और आने वाले दिनों में भी हम लोग ऐसे करते रहेंगे। आजमगढ़ के अतरौड़िया क्षेत्र में बढ़िया ग्राम वासियों ने मुकदमे से आक्रोशित होकर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम प्रधान के परिजनों व ग्रामीणों का आरोप है कि आशा संगीनी व ग्राम प्रधान के बीच पुरानी रंजिश है, जिसको उन्होंने सर्वे में बाधा पहुंचाने तथा छिड़खाने का फर्जी आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया, जो कि सरासर गलत है। परिवारों का कहना है कि खुद नायब तहसीलदार की मौजूदगी में किसी की हिम्मत कैसे होगी ऐसी गलती करने की। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरे मामले को मजिस्ट्रेट के स्तर से पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करा ली जाए, अगर प्रधान के ऊपर दर्ज फर्जी मुकदमा वापस नहीं होता है तो हम लोग लॉकडाउन के बाद आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। प्रधान जी के साथ साहब गए फोन लोग कहने की जांच चलती है, हमें गए ओकरे बाद कहना अरे साहब कह पुरुआ में जांच हुई कोरोना खाली के उठाइए बाई के और पूर्व बाय तो हर पूर्वक जांच हो जाए तो वह सब अपन बातचीत मर्दी मर्दम होत रहे और साहब वो जो औरत थी वो पुरानी रंजिश हमारी उनकी है, वो जवन है अपन उल्टा सीधा बोले लगनी आई चुपाई मार के अपन उनसे हट गई। तो क्या उनसे जो जी चल रहा जी हाँ झगड़ा है साहब उस दिन प्रधान जी से कोई बात विवाद हुआ था? कुछ ना भेल साहब। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रौनापार पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत एक अभियुक्त ब्रह्मदेव पुत्र नरेश चौधरी को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना गंभीरपुर पुलिस ने अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना मुबारकपुर पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम के तहत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं अगर थाना महाराजगंज पुलिस की बात करें तो 600 ग्राम नजायज गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। तो वही थाना निजामाबाद पुलिस ने 10 लीटर देसी शराब नजायज व 9 सीसी देसी शराब नजायज के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। कोरोना महामारी जैसे प्रकोप में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पुलिस लाइन ग्राउंड में DIG आजमगढ़ श्री सुभाष चंद्र दुबे की उपस्थिति में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के ख्याति प्राप्त योगाचार्य देव विजय के सानिध्य में समस्त रिक्रूट आरक्षियों ने पूरे जोश और जुनूस के साथ योगाभ्यास किया। योगाभ्यास के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्राणायाम में वस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शरीर को सुंदर और सुडौल बनाने के लिए सूर्य नमस्कार, जुकाम और नजला जैसी समस्या से दूर रहने के लिए जल नेति क्रिया का विस्तृत अभ्यास कराया गया।
डीआईजी ने भी सूर्य नमस्कार सहित अलग अलग आसनों का अभ्यास किया। योगाचार्य ने बताया कि कोरोना महामारी से बचने के लिए योगा प्राणायाम हर व्यक्ति को हर रोज करना चाहिए। इस दौरान डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने रिक्रूट आरक्षियों को सूर्य नमस्कार सहित अलग अलग कराए जाने वाले आसनों के ऊपर अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि आसनों से हम अपने शरीर को फिट एवं तंदुरुस्त रख सकते हैं। जीवन को सुचारू ढंग से जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योग प्राणायाम की आवश्यकता होती है। आइए सुनाते हैं कि डीआईजी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। सर, योग ड्यूटी के साथ साथ योग का कितना जरूरी है सर? योग तो एक जीवन पद्धति है, जिस प्रकार से आपको अपने जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए भोजन की व्यायाम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इम्यून पावर को मजबूत करने के लिए हमें योग व प्राणायाम की आवश्यकता होती है। आप देख रहे होंगे हर संडे रिक्रूट्स आरक्षियों के साथ पुलिस लाइन में अन्य सभी पुलिसकर्मी योग का अभ्यास जो योगाचार्य के मार्गदर्शन में करते हैं, उसका बेसिक उद्देश्य पुलिसकर्मियों को आज के परिवेश में बढ़ते तनाव को नियंत्रित करने की क्षमता देना और साथ ही साथ अपने मानसिक व शारीरिक दोनों शक्तियों का समान रूप से विकास करना है। थैंक्स। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि मनरेगा योजना के क्रियान्वयन की दिशा में जनपद एवं विकास खंड स्तर पर मनरेगा शिकायत निवारण प्रणाली संचालित किया गया है। इस हेतु जनपद स्तर पर स्थापित कराए गए कंट्रोल रूम का टोल फ्री नंबर 1800180236 है एवं विकास खंड स्तर पर स्थापित कराए गए कंट्रोल रूम का नंबर इस प्रकार है। उन्होंने आम जनमानस से अपील किया है कि उपरोक्त विकास खंडों में स्थापित कराए गए कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर पर योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायत सुझाव दर्ज करा सकते हैं। मुस्लिमों का पवित्र रमजान माह शुरू होने पर शांति व्यवस्था बनाए रखने व कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर व क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर के नेतृत्व में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस के जवानों द्वारा भी शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा था। फ्लैग मार्च अतरौलिया थाने से प्रारंभ होकर बाजार सहित ग्राम सभा थाना क्षेत्र के कई चौराहों व बाजारों तक पहुंचा। फ्लैग मार्च के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों से लोगों को शांति की अपील के साथ ही मुस्लिम बंधुओं से भी रमजान माह को शांतिपूर्वक मनाया तथा अपने घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की गई। और घरों में जो समय सीमा निर्धारित की गई है किराना के दुकान खोलने की, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, उसी समय में आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए कोई एक आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाए हुए दुकान पर जाकर सामान ले लें, शेष समय में वो अपने घर पर ही रहते हैं। आजमगढ़ जनपद के दीदारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत निकासीपुर गांव निवासी विजय बहादुर यादव, जो 25 वर्ष से दुबई में रहकर के स्टील फोरमैन का काम किया करते थे, अचानक तबीयत खराब होने से उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पाकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने सरकार और विदेश मंत्री से गुहार लगाई है कि अंतिम दर्शन के लिए उनके मृतक शरीर को हम लोगों को दिलवा दिया जाए, जिससे हम लोग उनका क्रियाकर्म हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कर सकें। हमको जो है उनकी डेथ बॉडी चाहिए, जो है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हमको उनका दाह संस्कार करना है, क्रियाकर्म करना है। कहाँ रहते थे? वो रहते थे दुबई जो है अल्कोज में, ECC जो है कंपनी थी उसमें जो स्टील फिटर थे वो। तो इसमें क्या समस्या आ रही है? समस्या हमको मांग उनकी बॉडी चाहिए जो है, भारत सरकार से हमारी मांग है कि हम हमारे भाई की बॉडी हमें दी जाए। जिलाधिकारी नगेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि विकासखंड पलहना के अंतर्गत ग्राम पंचायत पवनी कला से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें प्रथम दृष्टया यह दिखाई पड़ा कि कुछ लोग खाद्यान्न का वितरण जनसभा के रूप में कर रहे हैं। नीति आयोग भारत सरकार के आदेश के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुक्रम में जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया था और बार बार समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत भी कराया गया था कि कोई भी व्यक्ति संगठन यदि कोई खाद्यान्न वितरण करना चाहता है तो वह जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी प्रशासन से अनुमति प्राप्त करें और अपने वितरण की योजना बताते हुए न्यूनतम व्यक्तियों के साथ डोर टू डोर वितरण करेंगे।
जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित रहे। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के यह भी निर्देश है कि सार्वजनिक स्थल पर कोई भी व्यक्ति मास्क, गमछा अथवा दुपट्टा से मुंह ढककर चलेगा, किंतु वीडियो देखने से स्पष्ट है कि वहां पर काफी संख्या में लोग उपस्थित हैं और जनसभा के रूप में कार्यक्रम आयोजित है, किंतु इसकी औपचारिक रूप से कोई अनुमति भी नहीं ली गई है। मौके पर उपस्थित लोग न तो मास्क का प्रयोग किए हैं और न ही किसी अन्य कपड़े से मुंह को ही ढके हुए हैं। वीडियो में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं दिख रहा है। जिलाधिकारी ने प्रथम दृष्टया इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को निर्देशित किया गया है कि इस मामले में उपस्थित लोगों को चिन्हित करते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट का उल्लंघन मानते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएं। वीडियो क्लिप को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त स्थल पर लोगों के साथ खंड विकास अधिकारी पलाना भी उपस्थित हैं एवं वह भी बिना मास्क के ऐसे भीड़ वाले कार्यक्रम में उपस्थित हुए जो कोरोना संक्रमण से रोकथाम हेतु प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न मार्ग निर्देशों का उल्लंघन है। उनका यह कृत्य अनुशासनहीनता और दुराचरण की श्रेणी में आता है, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से मुख्यालय संबद्ध करते हुए अभिमन्यु सिंह परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अग्रिम आदेश तक खंड विकास अधिकारी लालगंज अपने कार्यों के साथ साथ वीडियो पलाना का भी कार्य देखेंगे। आज पूरे भारत में लॉकडाउन है। हमारी 70% आबादी गांवों से निवास करती है, तो ऐसे में गांव का जनजीवन कैसा चल रहा है, ये देखने के लिए TV20 न्यूज की टीम ने आज जनपद के एक प्रतिष्ठित गांव जोखारा का दौरा किया। जब TV20 न्यूज की टीम आजमगढ़ से 30 किलोमीटर दूर समृद्ध सालिक गांव जोखारा पहुंची और अपने कैमरे को लोगों की तरफ कर यह जानकारी ली कि लोग लॉकडाउन का किस तरह से पालन कर रहे हैं, तो हमने पाया कि पूरा गांव वीरान पड़ा है। लगभग सभी लोगों का गेहूं घरों में आ चुका है और लोग पूरे दिन घरों में बंद हैं या जिनके पास अपना काम है वो अपना कार्य कर घर पर ही कर रहे हैं। हमको बढ़ई का कार्य करने वाले मकरध्वज मिले जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने कार्य में लगे हुए थे, तो वही दूसरी ओर एक किसान भगवान राय ने बताया कि वो लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और पूरे दिन परिवार के साथ घर पर ही रहते हैं, समय समय पर खेती के कार्य देखते हैं और TV पर आ रहे रामायण महाभारत को देखकर अपना समय व्यतीत करते हैं। हमने बारी बारी सबसे बात किया, आपको सुनवाते हैं। शुभ नाम? मकरध्वज जी, अभी लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? हम ये अपना कारोबार घर के सब सदस्य मिलकर लकड़ी का कारोबार कर रहे हैं, खेती बाड़ी काम कर रहे हैं, लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। यानी पूरा सदुपयोग कर रहे हैं आप अपने घर में, जो लकड़ी का काम भी इसी में निपटा ले रहे हैं जी। अच्छा, तो अभी गांव की क्या स्थिति है? गांव की स्थिति हमारी ठीक है। गांव में सारे लोग अंदर हैं, घर के सब अंदर हैं। समय लोग कैसे काटते हैं? TV देख के या क्या, महाभारत रामायण यही सब देख कर के टाइम पास कर रहे हैं। तो आप लोग खुश हैं अभी? हाँ, बंद हैं। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लॉकडाउन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, लॉकडाउन से तो बहुत देश का बहुत फायदा हुआ है, मरीज बहुत कम आए। नहीं, आप लोग अपना जो हम लोग अभी लॉकडाउन में घर में रहते हैं, लॉकडाउन से घर का ही अंदर सारे लोग गांव के अंदर रहते हैं, वही TV पर रामायण महाभारत और सीरियल आ रहे हैं, वही हम लोग देख रहे हैं। अंदर रहते हैं, घर से बाहर कम जाते आते हैं। कृषि के संबंध में क्या है? कृषि के संबंध में यही खेती का कार्यक्रम, यही रबी का कटाई का काम चला है। कुछ लोग अभी काट चुके हैं, कुछ लोग अभी बाकी हैं, कुछ लोग बारिश की वजह से, बारिश हो गई है उसमें गेहूँ भीग गया है, अभी सुखा रहे हैं। यही यानी कि लॉकडाउन का पूरी तरह से आप लोग पालन कर रहे हैं? लॉकडाउन का फूल पालन कर रहे हैं। गांव में सन्नाटा है एकदम? 10 बजे तक कोई बाहर नहीं निकलता है, 10 बजे के बाद खेती का कार्यक्रम करने के लिए वही एक आधा लोग निकल रहे हैं और सारे लोग अभी अंदर ही रह रहे हैं लॉकडाउन। पुलिस अधीक्षक द्वारा शराब और शराब माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जीएनपुर पुलिस को आज बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक लग्जरी इनोवा कार से 72 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया और इनोवा कार व ड्राइवर को कब्जे में ले लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह शराब सरकारी दुकान से आपूर्ति की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये लॉकडाउन का उल्लंघन, उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दे दिया गया है कि वह अपने क्षेत्रों में भी देखें कि लॉकडाउन के दौरान कहीं सरकारी दुकानों से या अवैध रूप से शराब बेची तो नहीं जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उनके पास हर जगह इन्फॉर्मर हैं और पुलिस के सोशल मीडिया पर भी सूचना के माध्यम से उनको अपराधियों के साथ ही अवैध शराब कारोबार में लिप्त लोगों की शिकायत मिल रही थी। इसी के तहत आज पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। सुनाते हैं कि आजमगढ़ SP प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह ने क्या कहा।
शराब अवैध पकड़ी है, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, हमारे थाना पुलिस को ये सूचना मिली मॉर्निंग में कि कोई आदमी लग्जरी गाड़ी से इनोवा से दारू लेकर के जगह जगह बांट रहा है लोगों में। चूँकि लॉकडाउन है और वैसे भी कोई इस तरह से गाड़ी से ले जा करके जो अनऑथराइज आदमी हो नहीं बांट सकता, तो हम लोगों ने चेक किया तो पता चला कि उसमें माइक डाउनला और 8 PM के काफ़ी पैकेट्स रखे हुए हैं। फिर उसके बाद बार कोड स्कैनर से जब हम लोगों ने जांच किया तो पता चला कि ये जीएनपुर क्षेत्र के ही एक सरकारी दुकान से ये निकाली गई दारू की पेटी है। अब हम लोग इस गाड़ी को सीज कर रहे हैं, ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। अभी हमारी टीम गई हुई है जो वहाँ के जो सप्लायर हैं, जो सरकारी दुकान के सेल्समैन हैं, सप्लायर हैं जिनके नाम लाइसेंस है, उनको गिरफ्तार करने के लिए और उनके लाइसेंस कैंसिलेशन के अभी हम रिपोर्ट देने जा रहे हैं। अच्छा सर, ऐसे में लॉकडाउन है और इस तरह से लग्जरी गाड़ियों में घूमना और इस तरीके से शराब को बरामद करना, ये एक तरह से सुनियोजित है? ये अभी इसकी जांच चल रही है कि कितने बड़े लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमने इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी मैंने कार्रवाई की है। चूँकि ये लॉकडाउन के नियमों का वायलेशन भी है, एक्साइज एक्ट के अतिरिक्त चूँकि लॉकडाउन की जो शर्तें हैं उसका वायलेशन भी है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धाराएँ भी हम लोगों ने इन पर लगा दी। कितनी शराब बरामद की गई है? करीब 72 बॉटल्स जो हैं ये शराब बरामद की गई है। अभी मैंने एक्साइज डिपार्टमेंट को और एसटीएम को और सीओ की एक टीम गठित करके मैंने देखा कि स्टॉक रजिस्टर से जाके आप लोग चेक करिए कि किस स्तर पे अनियमितता है, कितने दिनों से ये लोग बेच रहे थे, इसकी भी मैं जाँच करा रहा हूँ। और मैं पूरे जनपद में मैंने कह दिया सारे गजटेड अधिकारियों को, थाना प्रभारियों को, कि अपने एक्साइज इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर के हर दुकान की एक बार चेकिंग करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों की दुकानों से ये सप्लाई हो रही है, जैसे ये अभी पकड़ा गया है और ये सरकारी दुकान से सप्लाई मिली है। इस तरह से मैं पूरे जनपद में जांच के आदेश मैंने दिए हैं। ठीक सर, ठीक। हम लोगों के कई चैनल्स हैं, हमारे जो इन्फॉर्मर हैं वो जगह जगह इन्फॉर्मर भी हैं जो फ़ोन से बता देते हैं, और हमारे कई डिजिटल चैनल्स भी हैं, जैसे हम लोगों ने ट्वीट पर बताया लोगों को, कोई ट्वीट भी कर सकता है, हमारे फेसबुक के आजमगढ़ के पेज पर भी बता सकता है, व्हाट्सअप का नंबर हम लोगों ने शेयर किया व्हाट्सअप पे भी हमको बता सकता है, प्लस IGRS पे भी सूचना दे सकता है। 112 नंबर जो हमारी पुलिस की सेवा है, 112 नंबर पे लोग कॉल करते हैं बकायदे एक जांच होती है। इस तरह से हमारे कई चैनल्स हैं, हम लोगों ने कई चैनल्स मीडिया में जाकर के हाईलाइट किए हुए हैं पब्लिक के लिए कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अवैध शराब हो या कोई भी क्राइम हो उसकी सूचना आप देना चाहते हैं तो इतने ढेर सारे फोरम हमने दिए हैं उनको, ट्विटर हैंडल से लेकर के फेसबुक पेज से लेकर के 112 और IGRS पे कर सकते हैं, 1076 पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और प्लस हमारे इन्फॉर्मर का नेटवर्क है। इस तरह से हम लोगों को तुरंत सूचनाएं मिल जाती है और हम लोग पकड़ लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी आप कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस लॉकडाउन की स्थिति में इस तरह से अगर ये कारोबार चल रहा है तो ये हमारी एक बड़ी कामयाबी। ठीक सर।